हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल इन एसजीआई ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज योर बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8, एडेप्टेशन। एंड व्हाट इज एडेप्टेशन? एक्चुअली द ऑर्गेनिज फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस और वी कैन से हैबिटेट। एंड द ऑर्गेनिज द विच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस सो डिफरेंसेस इन देयर एक्सटर्नल फीचर्स फ्रॉम दोज हु फाउंड इन अदर एनवायरमेंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिज एक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो दूसरे तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं इन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बीइंग विच आर फाउंड इन इंडिया डिफर फ्रॉम द ह्यूमंस विच आर फाउंड इन अफ्रीका। हाउ? इन कॉम्प्लेक्सन, बिकॉज द इंडियंस अफ्रीकन्स आर इन डार्क कॉम्प्लेक्सन। सो वी कैन से दैट दोज बोथ आर डिफर इन द कॉम्प्लेक्सन एंड ऑल्सो in the pattern of the hair growth. Okay students, except from these two differences there are also other differences exist. In dono differences ke alawa bhi bahut sare differences hote hain. External features ke according African and Indian dono hi people different hote hain. So we can say the organisms which are found in an environment are so differences in the external features to organisms which are found in other environment. Students, actually the plants or animal develop some features which help them to survive and reproduce in a particular environment, and all the organisms need to adapt to their habitat to be able to survive. According to this we can say the what is adaptation. Adaptation is the presence of some specific features which enable a plant or animal to survive in a particular environment. What is adaptation? The presence of some specific features which enable a plant or an animal to survive in a particular environment. वो स्पेसिफिक फीचर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, दोज स्पेसिफिक फीचर्स आर नोन एज एडेप्टेशन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली एन एडेप्टेशन इज अ करेक्टरिस्टिक, और वी कैन से दैट इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इम्प्रूव और दैट इम्प्रूव द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। कौन? ये दिस एडेप्टेशन फीचर्स, दीज आर द फीचर्स, एक्चुअली दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, वी कैन से। एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव एडेप्टेशन दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और ये एडेप्टेशन फीचर्स ही, एडेप्टेशन करैक्टरिस्टिक्स ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक्चुअली जो एडेप्टेशन होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स, दैट इज सम एडेप्टेशन आर स्ट्रक्चरल, वी कैन से स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन आर द फिजिकल फीचर्स of an organism, like the feathers on the bird. Bird में क्या होते हैं? Feathers होते हैं which help the bird to fly in the sky, जो कि bird को sky में fly होने के लिए helpful होते हैं। तो ये क्या हो गए? एक structural adaptation हो गए। Okay, and another adaptation is a behavior. Adaptation कौन से होते हैं? Behavior adaptation.
Behavioral adaptation are the activities of an organism to do survive in a particular environment. किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कोई एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनिज्म को, जिनको बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज अ बिहेवियरल एडेप्टेशन. माइग्रेशन ऑफ बर्ड क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं अगर उनको अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो माइग्रेट हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज माइग्रेशन. जैसे कि आपने देखा है कुछ कोस्टल एरियाज में जो डेजर्ट प्लेस से बर्ड्स आती हैं, लाइक राजस्थान, उनसे बर्ड्स क्या करती हैं, एक्सट्रीमली हॉट समर सीजन में वो बर्ड्स कहाँ से, डेजर्ट एरिया से कोस्टल एरियाज में रहती हैं, दैट बर्ड्स आर नोन एज माइग्रेटेड बर्ड्स. और ये कैसा एडेप्टेशन है, बिहेवियरल एडेप्टेशन. नेक्स्ट टाइप इज द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन. Next type is the physiological adaptation. So what is physiological adaptation? The physiological adaptation are the functioning of the body in response to the environment. अपने environment में उनकी जो organism की body का जो functioning होती है वो होती है that is physiological adaptation. For example, the ability of the animals to maintain constant body temperature and the transpiration process in plants. Plants में क्या होता है, transpiration process होती है. Animals क्या होते हैं, हमारी तरह woolen cloth नहीं पहनते हैं, बट वो अपने body की temperature को maintain करते हैं. जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, जैसे इस समय क्या है, विंटर सीजन है, लेकिन कैट, डॉग, काउ, ये सब क्या है, ये इन सब के पास कोई वूलन क्लॉथ तो नहीं है जो पहन सके और वो इस विंटर सीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बट दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. वो अपने इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं, मेंटेन करते हैं टू सर्वाइव इन द विंटर सीजन. विंटर सीजन में सर्वाइव करने के लिए एज वेल एज इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, कि वो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से कूल रखते हैं एनवायरमेंट को. तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है. ओके स्टूडेंट्स,